हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट सेशन के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फाइंड किए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसकी इन डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब बहुत ही अच्छा एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है टाटा स्टील का। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का स्टॉक कल के लिए इंट्राडे के लिए क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम आए और यहाँ पर मैंने मंथली बेसिस वाली डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर सिंपल सा ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमारा मंथली बेसिस वाला सप्लाई जोन है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बना रहा था, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, पर इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसका उल्टा डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बियरिश सिनेरियो बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपको यहाँ पर मैं से 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और आप सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हो सकता है कि कल यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। किस तरीके से ब्रेकआउट, जैसे कि कल के एनालिसिस हमने देखा था वहां पर हिंदलोको में या फिर हिंदुस्तान पेट्रोल में हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने वाला था, तो सिमिलरली यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट के टाइम पे हमें सिंपल सा एक मतलब यहाँ पर एक एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर देखना है, और जैसे यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाए कि ये रियल ब्रेकआउट है, कोई भी पुल बैक देखकर एक अच्छा सा शॉर्ट का मौका हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट्स कहाँ पर रखेंगे, टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी मंथली बेसिस वाली पीओसी है, यहाँ पर प्राइस बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रही है। इसी वजह से यहाँ पर हम कोई शॉर्ट की पोजिशन ले रहे तो हमें यहाँ पर पीओसी पर उसे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से प्राइस जो है वो फिर से रिवर्स मार सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट मिलती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहूंगा। अगर ये ऊपर की जो लेवल है, ये हमारा मंथली बेसिस वाला सप्लाई जोन है, अगर ये टूटता है तो ही यहाँ पर मैं बाइंग करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर ज्यादातर मैं शॉर्ट के साइड में जाऊंगा। अगर ये ऊपर के साइड में मूवमेंट भी देता है तो ये मैं थोड़ा सा इसे इग्नोर करूंगा। अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेना चाहूंगा, ठीक है। अभी अगला जो चार्ट है वो है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम का, ठीक है। अभी ये स्टॉक यहाँ पर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है, प्लस यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन जो कि पर्पल कलर की मैंने यहाँ पर मार्क की है वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। अभी कल इसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है, यहाँ पर बाय के लिए भी ट्रेड बन सकता है, यहाँ पर सेल के लिए भी ट्रेड बन सकता है, पर अगर यहाँ पर हमें सेलिंग का मौका मिले तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होकर यहाँ पर नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर हमें पुल बैक देखकर शॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें मौका मिल सकता है। सिमिलरली अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर से भी हमें बाइंग का मौका मिल सकता है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम सेलिंग के लिए ट्राई करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर अप ट्रेंड हो चुका है, तो हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट भी आना जरूरी है। तो इसी वजह से अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मैं श्योरली यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है और यहाँ पर हमारा अगर निफ्टी मेटल बहुत ही पॉजिटिव होता है, बुलिश होता है, तो सिमिलर में कि यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग की पोजिशन भी बिल्ड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी अगला जो चार्ट है वो भारत फोर्स, ठीक है। भारत फोर्स में भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी एनालिसिस बन रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हमारे मंथली बेसिस वाले डिमांड जोन को तोड़ा, उसके बाद में यहाँ पर रीटेस्ट करने को आ रही है। रीटेस्ट करते वक्त यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है कि कल इस फॉलिंग वेज पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाए, पर हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो डेली बेसिस वाला वैल्यू एरिया है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। डेली बेसिस वाला वैल्यू एरिया किस तरह से ड्रॉ करना है, मैंने आपको अभी जो सेवेंथ एंट्री टेक्निक बताई थी इंट्राडे के लिए उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वहां पर से सीधा आपको यहाँ पर कोई भी पुल बैक देखकर बाइंग करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। सिर्फ आप वैल्यू एरिया ड्रॉ करें, उसके रेफरेंस से यहां पर हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये गैप डाउन खुलता है या फिर ब्रेकआउट कर देता है तो यहां पर से फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। तो फिर भी ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, उसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है, नीचे के साइड में हमारा मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन भी है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है, उसी वजह से ये यहां पर से एक बुलिश
रिवर्सल दिखा सकता है, एक हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बहुत ही अच्छा बन सकता है। होप है कि आपको एनालिसिस समझ गया है और ये तीन स्टॉक्स मैंने कल के एनालिसिस के लिए, कल के मार्केट सेशन के लिए सिलेक्ट किए। अभी यहाँ पर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, तो हमने क्या बात की थी, अगर मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ेगा जो कि हमारा डेली बेसिस वाला जो वैल्यू एरिया है उसको तोड़ेगा, तो एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम हमें देख सकता है। फिर भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी जो कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉलिंग चैनल यहाँ पर ड्रॉ किया है, फॉलिंग चैनल में प्राइस मूव कर रही है और फॉलिंग चैनल को लास्ट कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर क्लोजिंग दिखी है, उसी वजह से कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, पर हमको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाले, ठीक है ना। तो उसी वजह से अगर ये ऊपर के साइड में एक मूवमेंट देता भी है तो फिर भी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर उसे ब्रेक करना होगा। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन दिखेगा तो यहाँ पर से फिर से डाउनफॉल हमें एक दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इतना सिंपल एनालिसिस है मेरा बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में हम थोड़ा सा बात करेंगे तो निफ्टी में हमने जिस तरह से कल डिस्कस किया था उसी तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और आप देखिए कि हमने बोला था कि अगर निफ्टी हमारे जो डेली बेसिस वाला वैल्यू एरिया है यहाँ पर खुलेगी तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, बाद में इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हमारा डेज रेंज ब्रेकआउट वाली एंट्री टेक्निक से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर फॉल दिखाया, फॉल कब तक आया, मैंने आपको ये डॉटेड लाइन बताई थी कि ये वर्जिन पीओसी है, ठीक है। वर्जिन पीओसी मतलब अनटच पीओसी, प्राइस ने उसको कभी भी टच नहीं किया, तो उसी वजह से ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाली थी। ये लेवल मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस की थी, तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर से एक अच्छा सा स्ट्रांग क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट, हो सकता है कि कल गैप अप खुले, बहुत बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमें पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छा ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पर रेंज में खुलता है तो हो सकता है कि फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और अगर ये यहाँ पर खुलता है तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजेक्शन मिल जाए। फिर भी अगर एक गैप अप खुलता है तो बहुत चांसेस है कि ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर दे। अगर रिजेक्शन मिलेगा तो ये जो पैटर्न यहाँ पर ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसको यहाँ पर इसी तरीके से कंटिन्यू करने को ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और मेरे तीन स्टॉक। होप है कि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग के अनुसार शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।